भू नक्शा की मदद से आप किसी भी ज़मीन का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि ज़मीन किसके नाम है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खसरा नंबर क्या है, ज़मीन कितनी है, कौन सा ज़मीन आबादी है, कौन सा ज़मीन नवीन पड़ती है, कहां पर नाली है, कहां पर चकमार्ग है। सो आज की वीडियो में भू नक्शा देखने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मऊ टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का जेन्युइन कंटेंट हमेशा आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। भू नक्शा देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है अपने स्टेट का नाम और भू नक्शा लिख देना है। उसके बाद आपके स्टेट की वेबसाइट इस प्रकार दिखेगी, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ज़िला के सामने बॉक्स पे कॉलम में क्लिक करेंगे यहाँ। उसके बाद अपना ज़िला चूज कर लेंगे, आपका जो भी ज़िला होगा उस ज़िला को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ तहसील के सामने वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और अपना तहसील चूज करेंगे। उसके बाद गांव के सामने वाले कॉलम में क्लिक करेंगे और अपना ग्राम सभा चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ कोने में आइकन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से मैप ओपन हो जाएगा, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। उसके बाद आप किसी भी कॉलम में क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं 121 नंबर पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे भी आप कॉलम में क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप खाता संख्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप खसरा नंबर देख सकते हैं, कितना क्षेत्रफल है वो देख सकते हैं, यहाँ पे किसके नाम से ज़मीन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आबादी है। उसके बाद मैं अब दूसरे कॉलम पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर साइड में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खाता संख्या इतना है, यहाँ खसरा नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ खातेदार का नाम देख सकते हैं कि नवीन पड़ती है। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी ज़मीन का सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपको भू नक्शा देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप चाहो तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।